प्रतिभा समय और परिस्थिति का गुलाम नहीं होती है, वह किसी भी क्षण बलवती हो जाती है, और एक अलग प्रतिभा बलवती होती है जो सामान्य लीक से जो आदमी चलता है वो गौण हो जाता है, और नई प्रतिभा इतनी विकसित होती है कि वो व्यक्ति चर्चित हो जाता है, उसी रूप में लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसे ही शख्सियत हैं साहित्यकार विजय शंकर प्रसाद जो हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद विजय जी। आप टीचर हैं, जी शिक्षक हैं, यानी शिक्षक हैं, समाज सेवा में भी आपकी रुचि रही है, जी। अब यह बताइए कि साहित्य की भावना कैसे आ गई? साहित्य की भावना आने के पीछे बड़ा कारण यह है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्य से जुड़ी हुई। अच्छा, बहुत बहुत खुशी की बात है। जैसे मेरे चाचा हिंदी के कवि थे, अच्छे साहित्यकार में उनकी गिनती होती थी, श्री रामचंद्र भारत, स्वर्गीय रामचंद्र भारद्वाज, जो कांग्रेस के सांसद भी, राज्यसभा के सदस्य भी थे, और उनसे मुझे प्रेरणा मिली। साथ ही मुजफ्फरपुर में साहित्य से जुड़े हुए मेरे गुरु थे सत्यनारायण लाल जी, वो भी मुझे पढ़ाते थे बचपन में, उनसे भी मुझे कुछ सीखने का मौका मिला और उनसे मैं प्रेरित हुआ। एक और प्रश्न है जी, मन में बढ़ रहा है, अभी आपने भी महसूस किया आपकी तीन किताबें आई हैं जी, बहुतों की कई किताबें आई हैं, दर्जनों आई हैं, लेकिन आपने ये महसूस किया है कि खरीद कर तो कोई लेने वाले है नहीं, मतलब मुफ्त में भी देने के बाद कोई पढ़ना नहीं चाहते, यानी कि किताबें छप रही अधिक पाठक घट रहे हैं, आपके समझ इसका क्या कारण? इसके पीछे मूल कारण यह है कि आज का दौर महंगाई का दौर है, और लोग अपने आप में अपनी समस्याओं से इतने चिंताग्रस्त हो गए हैं कि वह रोजी रोटी के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और कला के प्रति रुझान घटता जा रहा है। मैंने आपके इस क्षमता से परिवार के लोग गौरवान्वित हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि क्योंकि आप ड्यूटी भी निभाते हैं अच्छी तरह, जी ड्यूटी में कोई बाधा नहीं, परिवार को कोई बाधा नहीं, इसलिए कोई समस्या नहीं जी। खैर अच्छा, अब जो मेरा अच्छा, अब आप एक कवि का मैं इंटरव्यू ले रहा और उसकी कविता सुने बिना इंटरव्यू का अंत करना अच्छा लगेगा। एक मैं चाहता हूँ जिससे आपको मन हो एक सुनावे दर्शकों को जो आपको बहुत अच्छा हो लगे। अच्छा रचनाकार के लिए सारी रचनाएं अच्छी हों, एक आप सुना। हमारी जिंदगी में नमक का काफी महत्व है। बिल्कुल, नमक बिना बहु व्यंजन कैसे। जी हाँ, एक छोटी सी कविता है जो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कविता में चुभन महसूस जिधर, वेदना में संग वेदना का हक, ऐ हवा नियति है प्रखर, शब्दों का संसार से चमक, तांडव करते हुए कहा सागर, चल पड़े थे हौले हौले सबक। मीन के निकेतन में लहर, मौत से लड़ना नहीं नाहक, तन्हाई भी तो पल पल ठहर, नमक का हाल बताया महक। प्रेम का भी है असर, अश्क का आंखों में धमक, परीक्षा कर आगे अग्रसर हम सफर, पूरी कहानी की है झलक, उलझ गए रंग के मंजर, परछाई नहीं जाती है बाक। बहुत अच्छा, ठीक। अब लगे हाथ एक गुलाब ही सुना दीजिए, क्योंकि बहुत चर्चित किताब है आपकी और लोगों को कहना है कि गुलाब, अभी आपने कहा ना कि उन्होंने कहा था कि भाई गुलाब इसका पैसों वाला अमेरिका जो तक है, लेकिन कहा थे एक गुलाब सुना दीजिए छोटी सी। बिल्कुल बिल्कुल, गंभीरता से रहस्य को छुपाया मैं, कुर्सियां तो ना भूला, अच्छा इश्क को जाति नहीं सिहराया, गवैया भी न जाति पाती खुला, मोटी किताब और पन्ने सरकाया, प्रभावी धर्म संकटों पे
अजनबी झूला, अरे पेड़ों पे जिम्मेदारी समाया, वही नदी और ताकता बगला, गुलाब माटी के सहारे आया, आदमी के खातिर नामा को कबूला, नेकी और बंदी भी तौलाया, गमला और गुलदस्ता तो बुलबुला, सुलों से माते प्रतिष्ठा घटाया, जहर भी अलबत्ता है घुला, भले उल्लू जागा और जगाया, कलंक से क्या क्या धुला, हसीना के पीछे क्या माया, गुब्बारा कितना पिचका और फला फुला, होठे और नैना तक भाया, दिलों से आंसू क्या गुनगुना। बहुत अच्छा, रचना भी अच्छी, पढ़ने का अंदाज भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इसको कहा जाए रचना अच्छी, पढ़ने का ढंग अच्छा। चलिए, आपने ये संकल्प जी हमारे साथ जितना भी शेयर किया, आपने अपनी रुचि साहित्य में आने की बात बताई, आपकी 3-3 किताबें आ चुकी हैं, भविष्य में भी आने की संभावना बनी हुई है, आप इस तरह आपने जो कविताएं भी सुनाई, आपके पढ़ने का ढंग से परिचित दर्शक हुए, आपकी रचनाओं कितने दमदार है इससे भी परिचित हुए, आपने जो हमारे लिए समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको भी।